रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने नए टैरिफ प्लान से यूजर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने पुराने प्लान से ही इन प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे रही है। टैरिफ बढ़ने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को लिमिटेड बेनिफिट्स दे रही हैं, लेकिन BSNL के पोर्टफोलियो में अब भी कई अनलिमिटेड बेनिफिट वाले प्लान्स मौजूद हैं। इस प्लान्स की शुरुआत ₹108 से होती है और सबसे महंगा प्लान ₹1999 का आता है। BSNL की एक और खास बात है, वो ये है कि इसके ₹1699 के एनुअल प्लान में अब रोज 3 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। बता दें कि सब्सक्राइबर्स बेस के मामले में BSNL देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी अपने सब्सक्राइबर बेस को बनाए रखना चाहती है और इसकी कोशिश है कि आकर्षक प्लान्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को नेटवर्क से जोड़ा जाए। BSNL ने अभी टैरिफ बढ़ाने का मन नहीं बनाया है। इसका सीधा फायदा यूजर्स को मिल रहा है और वे पुरानी कीमतों में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान्स चुन रहे हैं। बात अगर कंपनी के ₹1699 वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को कुल 1095 GB डेटा दिया जा रहा है 365 दिन की वैलिडिटी के साथ। आने वाले इस प्लान में यूजर्स को 250 मिनट की कैपिंग के साथ डेली अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। प्लान में रोज 100 फ्री SMS के साथ 2 महीने के लिए पर्सनलाइज्ड रिंग बैक टोन बेनिफिट भी मिलता है। प्लान में यूजर्स को रोज 3 GB डेटा मिलता है। इस हिसाब से 365 दिन में ये कुल 1095 GB हो जाता है। शुरुआत में ये प्लान 2 GB डेटा के साथ आता था, लेकिन नए ऑफर के तहत कंपनी इसमें 1 GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। 30 नवंबर 2019 तक इसी प्लान में यूजर्स को रोज 3.5 GB डेटा ऑफर किया जाता था। BSNL ने हाल ही में चेन्नई और तमिलनाडु सर्कल के लिए ₹1999 वाले एनुअल प्लान को फिर से लाइव कर दिया है। 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आने वाले इस प्लान में भी रोज 3 GB डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी इस प्लान के साथ रोज 100 फ्री SMS और 250 मिनट की कॉलिंग दे रही है। इतना ही नहीं, इस प्लान को सब्सक्राइब कराने वाले यूजर्स को 1 साल के लिए सोनी लिव का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट नाइन टेक से श्रुति की रिपोर्ट।